Hi friends, this is Riyaz Khan, your English language trainer. Today we are going to talk about this story, The King Cobra and the Ants. King Cobra yani Raja Cobra aur Chintiya. There lived a big King Cobra in a dense forest. Dense matlab ghana, forest matlab jungle. Yani ek ghane jungle mein a big King Cobra, ek bada Raja Cobra lived rehta tha. यानी सेंटेंस को हमने देयर से शुरू किया और यहाँ सेकंड फॉर्म लगाकर स्ट्रक्चर बना सकते हैं. तो एक घने जंगल में बड़ा राजा कोबरा रहता था. एज़ यूजुअल ये मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है हमेशा की तरह. ही फेड ऑन का मतलब, फेड ऑन का मतलब खा जाता था, और ये पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी. तो हमेशा की तरह वह खा जाता था. क्या क्या खा जाता था समझो, वर्ड्स पक्षी खा जाता था, एग्स अंडे खा जाता था, लिजर्ड्स छिपकलियाँ, फ्रॉक्स मेंढक एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स. अदर मतलब दूसरे, स्मॉल मतलब छोटे, क्रिएचर्स मतलब जीव या प्राणी, और दूसरे छोटे प्राणी खा जाता था. अब हम यहाँ से यहाँ तक समझेंगे, ठीक है. तो एक बड़ा राजा कोबरा रहता था एक घने जंगल में, और हमेशा की तरह वह खा जाता था पक्षियों को, अंडों को, छिपकलियों, मेंढक और दूसरे या अन्य छोटे जीवों को वो खा जाता था. आगे बढ़ते हैं. द होल नाइट यानी पूरी रात ही हंटेड द स्मॉल क्रिएचर्स. पूरी रात उसने छोटे जीवों का शिकार किया. एंड व्हेन द डे ब्रोक और जब अगला दिन की शुरुआत हुई, ही वेंट मतलब वो चला गया. द डे ब्रोक का मतलब होता है दिन की शुरुआत होना. तो द होल नाइट यानी पूरी रात ही हंटेड, ये पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है. ज़्यादातर सारे सेंटेंसेस आपको पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में ही दिखाई देंगे. तो पूरी रात उसने शिकार किया स्मॉल क्रिएचर्स, उसने छोटे जीवों का शिकार किया. एंड व्हेन और जब, द डे ब्रोक और जब दिन ब्रोक हुआ यानी दिन की शुरुआत हुई, ही वेंट वो चला गया इनटू हिज हॉल, वो अपने छेद में अपने बिल में चला गया टू स्लीप सोने के लिए. तो जब दिन की शुरुआत हुई वह अपने बिल में, अपने हॉल में, अपने छेद में चला गया सोने के लिए. ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे यानी स्लोली. ही बिकेम फिट धीरे धीरे वह मोटा हो गया. एंड हिज फिट मतलब यहाँ पर फिट का मतलब है यहाँ पर मोटे से यानी वह मोटा हो गया, और यहाँ पर फिट का मतलब है मोटापे से. एंड हिज फिट ग्रू मतलब बढ़ गया, और उसका मोटापा बढ़ गया. टू सच अ मीज़र मतलब होता है मात्रा, मापन, सच मतलब ऐसी, और उसका जो मोटापा था ग्रू मतलब बढ़ गया, वो किस हद तक बढ़ गया, एक ऐसी मात्रा तक, एक ऐसी मापन तक, एक ऐसी मीज़र तक बढ़ गया. दैट की इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर हिम कि यह उसके लिए मुश्किल हो गया. इट बिकेम डिफ़िकल्ट यह मुश्किल हो गया, यह कठिन हो गया. फॉर हिम उसके लिए, टू एंटर, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना या घुसना. एंड कम आउट और बाहर निकलना. ऑफ इज ऑल अपने छेद से, अपने बिल से. विदाउट बीइंग स्क्रैच्ड बिना खर्चे हुए, बिना रगड़े हुए अपने बिल से बाहर निकलने में और घुसने में, घुसना उसके लिए मुश्किल हो गया. अब एक बार हम फिर से समझेंगे. अब हम यहाँ से समझेंगे ही से स्क्रैच तक. तो ही से समझते हैं फिर से. ही वेंट वह चला गया इन टू हिज ऑल अपने छेद में, अपने बिल में. टू स्लीप सोने के लिए यानी वह सोने के लिए अपने बिल में चला गया. ग्रेजुअली धीरे धीरे. ही बिकेम फैट वह मोटा हो गया. एंड हिज फैट और उसका मोटापा ग्रू बढ़ गया. टू सच अ मीज़र सच मतलब ऐसी मात्रा तक उसका मोटापा बढ़ गया. दैट इट बिकेम डिफ़िकल्ट किया है उसके लिए मुश्किल हो गया. फॉर हिम उसके लिए, टू एंटर घुस जाना, प्रवेश करना. एंड कम आउट और निकल जाना, बाहर निकलना. ऑफ इज ऑल यानी अपने छेद, अपने बिल से घुसना और बाहर निकलना. विदाउट बीइंग स्क्रैच्ड बिना घिसटे हुए, बिना खर्चे हुए उसके लिए मुश्किल हो गया. तो बिना खर्चे हुए, बिना घिसटे हुए, बिना रगड़े हुए अपने बिल से प्रवेश करना, अपने बिल में घुसना और बिल से बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया. आगे बढ़ते हैं. अल्टीमेटली आखिरकार ही डिसाइड उसने डिसाइड किया. पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म में डिसाइड मतलब निश्चय करना या फैसला कर लेना या डिसीजन ले लेना. तो आखिरकार उसने फैसला ले लिया. टू एवंडन, एवंडन का मतलब होता है छोड़ना. हिज हॉल अपने बिल को. तो आखिरकार उसने अपने बिल, अपने छेद को छोड़ने का निश्चय किया. एंड सिलेक्टेड और चुन लिया उसने. क्या चुन लिया? ह्यूज ट्री, अ ह्यूज ट्री. उसने एक विशाल वृक्ष, एक बड़े पेड़ को चुन लिया. फॉर हिज न्यू होम अपने नए घर के लिए. तो अब हम यहाँ से एक बार फिर से समझेंगे.
तो अल्टीमेटली आखिरकार उसने अपने बिल को, अपने छेद को छोड़ने का निश्चय किया और उसने फॉर हिज न्यू होम अपने नए घर के लिए एक बड़ा पेड़ चुन लिया। बट लेकिन देयर वॉज एन आंट हिल, एंट, एंट मतलब होता है चींटी, देयर वॉज एन एंट हिल, हिल का मतलब पहाड़ी, लेकिन देयर वॉज थी, देयर वॉज मतलब वहाँ थी, एन एंट हिल वहाँ एक चींटियों की पहाड़ी थी, एट द रूट, रूट मतलब जड़ ऑफ द ट्री, यानी पेड़ की जड़ पर, पेड़ की रूट मतलब जड़, पेड़ की जड़ पर चींटियों की वहाँ पहाड़ी थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर किंग कोबरा, इट वॉज इम्पॉसिबल यह मुमकिन था, इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन था, इसकी उम्मीद नहीं थी, फॉर किंग कोबरा राजा के लिए, राजा कोबरा के लिए, टू पुटअप, पुटअप का मतलब होता है बना रहना, विद द एंट्स यानी चींटियों के साथ बना रहना, चींटियों के साथ बने रहने में, बने रहने के लिए राजा कोबरा के लिए ये बात मुश्किल हो गई, यानी राजा के लिए ये नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था, असंभव था कि वो चींटियों के साथ बना रहे। सो इसीलिए ही वेंट, वह चला गया टू द एंट हिल, इसीलिए वह चींटियों की पहाड़ी में चला गया, एंड सैड, और उसने कहा आई एम द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, मैं इस जंगल का राजा हूँ, आई ऑर्डर ऑल ऑफ यू, मैं तुम सबको आदेश देता हूँ, मैं तुम सबको ऑर्डर देता हूँ, आज्ञा देता हूँ, टू गो जाने के लिए, फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह से, तो मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं तुम सबको, ऑल ऑफ यू मतलब तुम सबको, मैं तुम सबको आदेश देता हूँ, ऑर्डर देता हूँ, टू गो जाने के लिए, फ्रॉम दिस प्लेस, इस जगह से, यानी मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं इस जगह से, इस प्लेस से तुम सबको जाने का आदेश देता हूँ, और दूसरा क्या आदेश देता हूँ, लिव, रहने का, समवेयर मतलब कहीं, एल्स मतलब और, यानी कहीं और, लिव मतलब रहना, यानी मैं दो आदेश देता हूँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं दो आदेश देता हूँ, आई ऑर्डर, मैं ऑर्डर देता हूँ, ऑल ऑफ यू तुम सबको, कौन कौन से ऑर्डर देता हूँ, एक तो जाने का ऑर्डर देता हूँ और दूसरा लिव, एंड लगा कर दूसरी तरफ अपने दोनों तरफ वर्ब जोड़ दी, तो इस जगह से जाने और कहीं और, समवेयर कहीं, एल्स मतलब और, कहीं और रहने के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम सबको। आगे बढ़ते हैं, देयर वर अदर एनिमल्स टू अराउंड, अराउंड मतलब चारों ओर, टू मतलब भी, एनिमल्स मतलब जानवर, अदर मतलब दूसरे, देयर वर अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवर, टू मतलब भी, अराउंड मतलब चारों ओर, चारों ओर दूसरे जानवर भी थे, दे बिगेन ट्रेम्बलिंग, बिगेन मतलब शुरू करना, दे बिगेन उन्होंने शुरू कर दिया, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, उन्होंने कांपना शुरू कर दिया, तो चारों ओर दूसरे जानवर भी थे, उन्होंने कांपना शुरू कर दिया, विद फियर यानी डर के साथ, टू सी देखकर, सच अ ह्यूज स्नैक, सच मतलब ऐसे, ह्यूज मतलब विशाल या बड़े, स्नैक मतलब सांप को, बिफोर देम अपने सामने, तो दे बिगेन ट्रेम्बलिंग उन्होंने कांपना शुरू कर दिया, विद फियर डर से, अपने सामने, बिफोर देम अपने सामने, सच अ ह्यूज स्नैक अपने सामने, इतने विशाल, इतने बड़े सांप को देखने के लिए, सॉरी टू सी का मतलब यहाँ देख कर है, यानी अपने सामने एक एक ऐसे बड़े सांप को देख कर डर से उन्होंने कांपना शुरू कर दिया, यानी वो कांपने लगे। देयर वर अदर एनिमल्स टू अराउंड, यानी चारों तरफ अन्य जानवर भी थे, दूसरे जानवर भी थे, और वो लोग डर से कांपने लगे अपने सामने ऐसे विशाल, ऐसे बड़े सांप को देखकर। दे रैन, वो भागे, वे जो दूसरे जानवर थे वो भाग गए, फॉर देयर लाइव्स यानी अपनी जिंदगियों के लिए, अपनी जिंदगियां बचाने के लिए वो भागे। बट द एंट्स पेड नो हीड, ये जो पेड नो हीड टू मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है ध्यान ना देना। बट द एंट्स पेड नो हीड, लेकिन चींटियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, टू हिज थ्रेट्स, लेकिन चींटियों ने, हिज थ्रेट्स मतलब उसकी धमकियों का, लेकिन चींटियों ने उसकी धमकियों का कोई ध्यान नहीं दिया। थाउजेंड्स ऑफ एंट्स का मतलब हजारों चींटियाँ, स्ट्रीम्स मतलब होता है निकल कर आना, आउट ऑफ का मतलब से बाहर, ऑफ द एंट हिल यानी चींटियाँ, हजारों चींटियाँ चींटियों की पहाड़ी से, अपनी चींटी पहाड़ी से बाहर निकल कर आई। सून मतलब शीघ्र ही, जल्द ही, देवर स्वयमिंग, स्वार्मिंग, स्वार्मिंग का मतलब होता है, स्वार्म मतलब होता है भीड़ लगाना, तो शीघ्र ही वे भीड़ लगा रही थी, ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द किंग कोबरा, शीघ्र ही वो राजा कोबरा के शरीर, शीघ्र ही वो राजा कोबरा की बॉडी पर भीड़ लगाने लगी या भीड़ लगा रही थी। स्टिंगिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है स्टिंगिंग का मतलब डंक मारते हुए, एंड बाइटिंग हिम और उसको काटते हुए, तो उसको क्या किया, उसको डंक मारे और काटे, यानी उसको डंक मारते हुए और काटते हुए राजा कोबरा की बॉडी पर हजारों जो चींटियाँ थीं
वो स्वार्मिंग कर रही थी। स्वार्मिंग का मतलब होता है भीड़ लगाना, भीड़ लगा रही थी, मतलब वो भीड़ लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ थॉर्नी प्रिक्स, थॉर्नी का मतलब कांटेदार, प्रिक्स का मतलब होता है चुभन, ऑल ओवर का मतलब के ऊपर, हिज बॉडी यानी उसके शरीर के ऊपर, किसके, राजा कोबरा की शरीर के ऊपर, तो उसके शरीर के ऊपर कांटेदार चुभन, और ठीक ऐसी थाउजेंड्स की यानी हजारों की संख्या में, तो हजारों कांटेदार चुभन उसके शरीर पर, ओवर हिज बॉडी यानी उसके पूरे, ऑल ओवर मतलब उसके पूरे शरीर पर, किसके, राजा कोबरा के पूरे शरीर पर हजारों कांटेदार चुभन कॉज्ड। अब ये पूरा का पूरा है, इससे पहले वाला कॉज्ड से पहले का पूरा है, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब पूरा का पूरा एक फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। तो थाउजेंड्स ऑफ थॉर्नी प्रिक्स ऑल ओवर हिज बॉडी, ये पूरा सब्जेक्ट और कॉज्ड इसकी वर्ब है। तो हजारों जो कांटेदार चुभन थी उसके पूरे शरीर पर यानी राजा कोबरा के शरीर पर कॉज्ड उसने पैदा कर दिया। क्या पैदा कर दिया, अनबियरेबल का मतलब होता असहनीय है, पैन मतलब कष्ट या पीड़ा, टू हिम उसके लिए। तो हजारों यानी उसके शरीर पर हजारों कांटेदार चुभन ने उसके लिए असहनीय पीड़ा उत्पन्न कर दी, पैदा कर दी या पीड़ा पहुंचाई। आगे बढ़ते हैं, द किंग कोबरा ट्राइड, राजा कोबरा ने कोशिश की, टू कीप मतलब रखने की, अवे मतलब दूर, एंड्स मतलब चींटियां, तो राजा ने चींटियों को दूर रखने की यानी दूर भगाने की राजा कोबरा ने कोशिश की, बट इन वैन, इन वैन एक फ्रेज़ होती है, इसका मतलब होता है व्यर्थ में, बेकार में मीनिंग होती है, बट इन वैन लेकिन सब व्यर्थ था, सब बेकार था। रिगल का मतलब होता है कुल बुलाना, ही रिगल्ड वो कुल बुलाया, वो लोटपोट हुआ, इन पैन वो दर्द के मारे दर्द में कुल बुलाया या लोटपोट हुआ, एंड एट लास्ट और अंत में डाइड मर गया। अब ये डाइड का जो सब्जेक्ट है वो ही है, और दोबारा आप सोच रहे होगे कि दोबारा क्यों नहीं लगा, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेंड इंग्लिश में चीज़ों के बार बार दोहराने से बचा जाता है। तो ही रिगल्ड वो कुल बुलाया, एक तो वो कुल बुलाया और दूसरा काम किया उसने, डाइड वो मर गया। अ पैनफुल डेथ, पैनफुल मतलब दर्द भरी, डेथ मतलब मौत, और दर्द भरी मौत मरा। हम एक बार यहाँ से समझते हैं पूरा यहाँ तक, तो द किंग कोबरा ट्राइड यानी राजा कोबरा ने कोशिश की, टू कीप द एंड्स अवे यानी चींटियों को दूर भगाने की, दूर रखने की, उनसे दूर रहने की कोशिश की, बट इन वैन लेकिन व्यर्थ था, सब कुछ बेकार था, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ही रिगल्ड वह कुल बुलाया, इन पैन वह दर्द के मारे दर्द से दर्द में कुल बुलाया, एंड एट लास्ट और अंत में डाइड। अब डाइड का जो सब्जेक्ट है वो ही फिर से है, ठीक है, दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वह दर्द भरी मौत मर गया यानी वह दर्द में कुल बुलाया और अंत में दर्द भरी मौत मरा। मोरल, इस कहानी का जो मोरल है, नैतिक है, नैतिक शिक्षा है, वो हमें बताती है, इवन द स्ट्रॉन्ग एंड माइटी, इवन मतलब होता है यहाँ तक की, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत ताकतवर, माइटी मतलब शक्तिशाली, यहाँ तक कि मजबूत और शक्तिशाली जो लोग होते हैं, कैन नॉट फेस, वो सामना नहीं कर सकते, द स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, वंस मतलब चींटियों के लिए आया, दोबारा चींटियाँ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अंडरस्टूड है, इसलिए वन लगा के काम चला दिया, बिकॉज प्लूरल में था इसलिए वंस किया, एक वचन होता सिंगुलर होता तो बंद कर देते। तो यहाँ तक कि मजबूत और शक्तिशाली जो लोग होते हैं वो भी छोटी छोटी चींटियों का, छोटी चीज़ों का सामना नहीं कर सकते। वैन इन अ लार्ज नंबर, वैन मतलब जब, इन अ लार्ज मतलब एक बड़ी संख्या में हो, एट अ टाइम एक ही समय पर एक ही बड़ी संख्या यानी भीड़ में अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हम पर अटैक कर दे तो हम उनका सामना नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है, इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, सी यू।